नमस्कार, मैं हूँ अक्षयानंद और आप देख रहे हैं livecities.in। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां पर एक बस हादसा हो गया है जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। बस पटना से रोसड़ा जा रही थी जब वह धुनकी मोड़ इलाके के पास, पटना सिटी अगमकुआं थाना क्षेत्र का यह मामला है, धुनकी मोड़ के पास बस अनियंत्रित होकर पलट गई, खाई में गिर गई, जिसमें कई सारे लोग घायल हो गए। इसका आंकड़ा लगभग 12 का बताया जा रहा है और 4 लोगों की मौत हो गई है, इस बात को सुनिश्चित कर दिया गया है। पहले स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू करने की कोशिश की, बाद में जो वहां पर पुलिस को बुलाया गया और पुलिस ने जो लोग उसमें फंसे थे उन्हें बचाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यही वो बस है जो कि सड़क से पलटकर खाई में गिर गई है। बस तेज रफ्तार थी, अनियंत्रित होकर, बेलगाम होकर यह बस सड़क से नीचे उतर गई। दर्जनों लोग के घायल होने की खबर बताई जा रही है। घायलों को PMCH और NMCH में भर्ती करा दिया गया है। अगमकुआं थाना के धुनकी मोड़ का यह मामला है, जहां पर सूचना के बाद पुलिस पहुंची और अब रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। बस पटना से रोसड़ा के लिए जा रही थी और पहले स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू किया, जहां पर इस बात की पुष्टि हो गई कि 4 लोगों की मौत हो गई है, मगर जो अन्य घायल लोग हैं उन्हें PMCH NMCH में भर्ती कराया गया है। और रफ्तार का कहर एक बार फिर से पटना में देखने को मिला है, जहां पर अनियंत्रित बस सड़क से पलट गई। बहरहाल, खबरों से जुड़े तमाम अपडेट्स लाइव सिटीज आप तक लगातार पहुंचा रहा है। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं।